हेलो स्टूडेंट्स, आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम अगला टॉपिक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत 1913 में हुई थी, जब हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 34 एलिमेंट्स पर। उन्होंने 34 एलिमेंट्स पर एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था और उन्होंने ये पाया कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसके एटॉमिक वेट पर ना डिपेंड करके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ पेश किया और उन्होंने ये बताया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को। एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर, और दूसरी चीज होती है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट पर प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की अकॉर्डिंग टू मोजले, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, और ये बात काफी हद तक सही भी है। इसीलिए 1913 से लेकर अब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलती है, और वो पीरियोडिक लॉ भी चलता है जो मोजले ने दिया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी या एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड किया जा सकता है। और एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में होते हैं, इसीलिए उनके बेसिस पर हम एक बढ़िया पीरियोडिक टेबल तैयार कर सकते हैं। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि चार हिस्सों में बटी हुई है। इसमें चार ब्लॉक्स हैं, दीज आर एस पी डी एंड एफ। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है अकॉर्डिंग टू अबव रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तो इट मींस वो एस ब्लॉक में रखा जाएगा। एस ब्लॉक में दो खड़े कॉलम है, जिस पहले खड़े कॉलम को हम एल्किली मेटल कहते हैं और सेकंड खड़े कॉलम को हम एल्किलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और दूसरा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक, जिसमें छह खड़े कॉलम होते हैं, क्योंकि पी की कैपेसिटी होती है छह इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, इसीलिए छह खड़े कॉलम उसमें प्रेजेंट होंगे। ये P1, ये P2, ये P3, P4, P5 एंड P6। तो ये छह खड़े कॉलम पी ब्लॉक में आते हैं, जिनमें ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम कैल्कोजन्स भी कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली जिसे हम हेलोजन्स भी कहते हैं, और लास्ट 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट या इनर्ट गैसेस, या इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। आजकल इनके नाम के आगे से इनर्ट हटा दिया गया है, और इनर्ट इसीलिए हटाया गया है क्योंकि ज़िनॉन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स नेचर में पाए गए। एस और पी के सेंटर पर या बीच में डी सबशेल या डी ब्लॉक प्रेजेंट है, जिसमें 10 खड़े कॉलम है और डी की कैपेसिटी भी होती है 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, और 10 ये जो खड़े कॉलम है इन सभी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण धातुएं। इनमें से ZnCdHg अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी का कंप्लीटली फिल्ड होता है। बाकी डी जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आधे भरे हुए होते हैं समटाइम्स, या कम इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इन सभी को हम ट्रांजिशन कहते हैं, और ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन भी करते हैं, और ज्यादातर इनमें से मेटल्स हैं। जितने भी इसमें पीले जो छपे हुए एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये सभी मैन मेड हैं, बाकी नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लास्ट में एफ ब्लॉक प्रेजेंट है, जिसमें 14 खड़े कॉलम है। पहले खड़े कॉलम को हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के लेंथेनम से मिलती जुलती हैं, और अगले ग्रुप को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के एक्टिनियम से मिलती जुलती हैं। पीरियोडिक टेबल में चार टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, तीसरे होते हैं सेमी मेटल्स, और चौथे होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा घातक भी माने जाते हैं, क्योंकि इनसे कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकलता रहता है, और रेडिएशन कैंसरस है। इसका उदाहरण हम मैरी क्यूरी से भी ले सकते हैं, मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी, जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम नाम के दो एलिमेंट्स को खोजा था, और उन पर स्टडी करके किस तरीके से हम उनकी मदद से कोई मशीन चला सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, और इसी वजह से कंटिन्यूअसली वो बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी प्रोटेक्शन के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ काम कर रही थी। इस वजह से उनकी डेथ भी कैंसर से ही हुई थी, साथ ही उनके जो हस्बैंड थे उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था
उनकी डेथ भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन पर काम कर रहे थे। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और साथ में पीरियोडिक टेबल में उनका वेरिएशन किस तरीके से होता है इनके बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। जब अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके अराउंड वेरियस शेल्स या ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स या शेल्स हम इन्हें कह सकते हैं। और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। अगर हम इनके वेरिएशन की बात करें तो अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्रुप लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर हम इन्हें लेते हैं तो इसमें केवल एक शेल प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन और रुबिडियम 37 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भरेगा 1s1 में और लिथियम के पास 1s2 और 2s1 में। तो इट मींस जब हम ऊपर से और इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम ये जाएगा 3s1 तक, ये जाएगा 4s1 तक और ये जाएगा 5s1 तक। इट मींस अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस अपने आप बढ़ी। इट मींस किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं किसी ग्रुप में लेफ्ट से अगर हम राइट आएंगे तो लेफ्ट से राइट आने पर एटॉमिक रेडियाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर हम यहाँ सेकेंड पीरियड को लें, सेकेंड पीरियड में क्या क्या होता है, सेकेंड पीरियड में होता है लिथियम और यहाँ होता है बेरिलियम और यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, जिसमें से लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, इसको देखें तो 1s2 2s2, इसका है 1s2 2s2 N2P1, इसका है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 और लास्ट नियॉन का है 1s2 2s2 2p6। ये इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और 2, इसमें 2 और 3, इसमें 2 एंड 4, इसमें 2 एंड 5, इसमें 2 एंड 6, ऐसे इसमें 2 एंड 7, 2 एंड 8। अगर हम इन सभी का स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएं तो लिथियम का ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम को हम देखें तो इसका ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ये न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट से राइट जब हम बढ़ते जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि शेल्स तो सभी में बराबर हैं, दो शेल है, 1 के शेल, सेकेंड इज एल सेल, तो के एल सभी में दो दो शेल प्रेजेंट है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा आउटर मोस्ट शेल में तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज,
न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इस वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो शेल है वो लेफ्ट से राइट जाने पर श्रिंक होती चली जाएगी। और जब जो एटम है वो श्रिंक होगा, इट मींस लेफ्ट से राइट जाने पर इस इफेक्ट के कारण, जिसे हम जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से आउटर मोस्ट शेल श्रिंक हो रही है, इस वजह से इसको हम जेड इफेक्ट की वजह से श्रिंक होना या लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई का घटना कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियाई का मान घटेगा ड्यू टू जेड इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं IE या IP। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का वह अमाउंट, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ती है, एटम को देनी पड़ती है। अगर हम एटम को एनर्जी देंगे तो बदले में वो हमें इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी IE या IP। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन की किसी पीरियोडिक टेबल में। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है किसी भी एटम का, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचना किसी भी एटम से। इट मीन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं किसी ग्रुप में तो एटम का साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कम एनर्जी में काम चल जाएगा। तो इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है अप टू डाउन वो घटती है। और अगर हम लेफ्ट से राइट की बात करें तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हम पाते हैं ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट किसी एटम का साइज घटता जाता है, और जब एटम का साइज घटता जाएगा तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इट मींस लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन को देने के बदले एटम आपको एनर्जी देगा तो उस अमाउंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का अपोजिट भी कह सकते हैं। अब अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर साइज बढ़ता है और साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन को डाल पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर देंगे, दूरी ज्यादा है तो एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है। अगर हम लेफ्ट से राइट के वेरिएशन की बात करें तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट हम जब जाते हैं तो साइज घटता है और साइज घटेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन इस प्रॉपर्टीज से अलग है, क्योंकि दे आर इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना या इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, साइज घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन को देना आसान हो जाएगा और वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देगा उसके बदले, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जब कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और बॉन्डिंग में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी एटम की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूसरे की तरफ भेजने की कैपेसिटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ हम जब जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, इट मींस इलेक्ट्रॉन दान देने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो इट मींस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी घटेगी लेकिन अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, इट मींस लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। अब सारे वेरिएशन मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से आप इस वेरिएशन को ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।